हेलो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज पेशेंट्स हमसे पूछते रहते हैं जो विजिट करते हैं। इस तरह की क्वेरीज की, बाल क्यों गए, उनके बाल अगर चले गए तो क्या वो वापस आ सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कब तक आते हैं, कब तक रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। और कुछ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें विजिट नहीं कर पाते, उनके लिए हमने एक ये सेशन शुरू किया है, आस्क डॉक्टर सुनील। इस सेशन में जो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल हमें कर सकते हैं। हम लाइव कॉल्स लेंगे कॉलर्स की और लाइव आंसर देंगे आपकी क्वेरीज का, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड। तो आइए हम ये सेशन शुरू करते हैं, आस्क डॉक्टर सुनील। आइए अब हम अपना पहले कॉलर को अटेंड करते हैं। हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस राजेश, बताइए। तो मैंने वो सब ट्राई कर दिया, पीआरपी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, मिनोक्सिडिल, फिनेक्टोराइड, लेकिन वो उतने टाइम के लिए होता था ठीक, बाद में फिर से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ है कि मुझे ना एक बहुत बड़ा टक्कल हो गया है सामने से, और डॉक्टर बोल रहे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूं, आपको बहुत बेसिक सा एक आइडिया देना चाहूंगा कि ये जो आपका सिचुएशन आया है, ये क्यों आया है। जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो स्कैल्प होता है, सर होता है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है, टॉप होता है और क्राउन होता है, उस एरिया के जो बाल होते हैं, उनकी जो रूट होती है वो मेल हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन से, और उनका एक एक्टिव पार्ट होता है डीएचटी, उससे सेंसिटिव होती है। और वो सेंसिटिविटी की वजह से क्या होता है कि जब भी डीएचटी स्कैल्प के उस एरिया के बाल की रूट से अटैच होता है, तो उसको धीरे धीरे पतला करके, एक प्रोसीजर होता है, पतला होता है बाल, जिसमें धीरे धीरे, जिसे साइंटिफिकली हम मिनिएचराइजेशन कहते हैं, उस बाल को वो धीरे धीरे पतला करके और परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो एक तो प्राइमरीली ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह से आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और ये जो बाल एक बार चले जाते हैं, क्योंकि डीएचटी की वजह से रूट पूरी डैमेज हो जाती है, तो ये बाल वापस नहीं आते हैं। हाँ, आप जब कुछ मेडिसिन लेते हैं, मिनोक्सिडिल, फिनेस्टेराइड या पीआरपी कराते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए इन बालों की लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप ये मेडिसिन और ये सब चीजें बंद करते हैं, वो जो लाइफ बड़ी होती है बालों की, वो बाल फिर से गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये टिपिकल एंड्रोजेनिक एलोपीसिया होता है। एंड्रोजेनिक मतलब जो चीज मेल्स के अंदर होती है, एंड्रोजेंस की वजह से होती है, और एलोपीसिया यानी कि बॉल्डनेस। तो इस चीज के लिए, एंड्रोजेनिक एलोपीसिया के लिए, जो ट्रीटमेंट आपके लिए एडवाइजेबल है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट, जिससे कि आपके स्कैल्प में बाल वापस आ सकते हैं। इसको राजेश आप इस तरह से समझिए कि एक तो आपका आगे का फ्रंट का एरिया है स्कैल्प का, जिसे कि हम रिसिपिएंट एरिया कहते हैं, जहां पे कि बाल लगाए जाते हैं, और एक एरिया होता है आपके स्कैल्प का पीछे का, जो कि डोनर एरिया कहते हैं। तो जो डोनर एरिया होता है, आप अगर खुद अपनी सराउंडिंग्स में भी देखेंगे, बहुत सारे आपके आसपास मेल्स होंगे जो कि बॉल्ड होंगे, वो पूरे बॉल्ड भी हो जाते हैं, गंजे भी हो जाते हैं, तब भी पीछे का जो एरिया है स्कैल्प का, वहां के बाल नहीं जाते हैं मेल्स के अंदर, वो नहीं जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उस एरिया के बाल डीएचटी से सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो जो इनसेंसिटिव बाल वाला एरिया होता है, उसे हम सेफ जोन कहते हैं। उस सेफ जोन में से ग्राफ्ट निकाल के, उस सेफ जोन को ही हम डोनर एरिया कहते हैं। उस सेफ जोन में से ग्राफ्ट निकाल के
और रिसिपिएंट एरिया जो कि फ्रंट का आपका बॉल्डनेस वाला एरिया है, जिसमें से कि एंड्रोजेनिक एलोपीसिया की वजह से बाल चले गए हैं, हम बाल लगाते हैं और इस प्रोसेस को ही ट्रांसप्लांट कहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं ब्रॉडली अगर हम बात करें तो। सबसे पहला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, मतलब कि डोनर एरिया से बाल निकालना। फिर दूसरा स्टेप होता है स्लिटिंग या फिर पंचिंग, जिसका मतलब होता है कि जिस रिसिपिएंट एरिया में हमें बाल लगाने हैं उस एरिया में हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से होल्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर की बाल पिरोए जाते हैं या लगाए जाते हैं। और तीसरा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, जिसके अंदर की जो हमने स्लिट्स बनाई है सेकेंड स्टेप के अंदर बाल तरीके से पिरोए जाते हैं या इंसर्ट किए जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं, सो दैट एक हाई डेंसिटी और नेचुरल लुक आ सके। नहीं, रियलिस्टिकली अगर अपन बात करें तो जो डेंसिटी आपका पहले था, यूजुअली हम साइंटिफिक टर्म्स में जब बात करते हैं तो जो नेचुरल डेंसिटी होती है एग्जिस्टिंग बालों की सेफ जोन में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वेरी करती है 100 टू 120 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन जो कोई भी एक अच्छे आपके क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको हाई डेंसिटी जो दे सकते हैं, जो यूजुअली हम फ्रंट वाले एरिया में मैक्सिमम देते हैं, वो होती है 60 टू 70 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बट वो लगाया इस तरह से जाता है कि वो नेचुरल लगे और वो एक हाई डेंसिटी का लुक दे आपको फ्रंट से। देखिए, इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। आप पूरा टाइम कॉन्शियस रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इनफैक्ट दो से तीन ब्रेक्स हम लेते हैं, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक और लंच ब्रेक, और उसके बीच में भी जब भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है 5-7 मिनट का, तो हम साथ में ब्रेक भी ले लेते हैं। और वो जो लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है वो भी फोरहेड में और स्कैल्प की स्किन के नीचे लगाया जाता है, बहुत ही छोटी सुई से, जो मतलब थिनेस्ट पॉसिबल निडल होती है उससे लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो बिल्कुल पेन फ्री होता है। और इनफैक्ट प्रोसीजर के बाद भी 6 से 7 घंटे तक आपको पेन वगैरह का बिल्कुल पता नहीं लगता है, और उसी ड्यूरेशन में हम आपकी साथ साथ ही मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रोसीजर के बाद भी पेन नहीं होता है और आप कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीन स्टेप्स होते हैं प्राइमरीली, एक हार्वेस्टिंग, एक स्लिटिंग और फिर इम्प्लांटेशन। जो सेकंड और थर्ड स्टेप है यानी कि स्लिटिंग और इम्प्लांटेशन, वो तो बिल्कुल सेम रहता है हर टेक्निक में, लेकिन जो FUT, FUE और जो डिफाइन करते हैं हम DHI, वो डिफाइन करते हैं हार्वेस्टिंग की टेक्निक पे। FUT का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। इसके अंदर हम सेफ जोन से एक स्किन की स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी, और उस स्ट्रिप में से फिर मैग्निफिकेशन में अंडर माइक्रोस्कोप एक एक हेयर फॉलिकल को, एक एक हेयर ग्राफ्ट को सेपरेट किया जाता है। FUE जो दूसरी टेक्निक होती है उसका मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUE के अंदर हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, स्पेशल पंचेस के साथ एट ए टाइम एक एक ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं, और उस जो ये जो फिर प्रिपेयर्ड जो ग्राफ्ट्स होते हैं, जो हार्वेस्ट किए हुए ग्राफ्ट होते हैं, इन्हें हम इम्प्लांट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में। अगर हम बात करें कि कौन सी टेक्निक अच्छी है, कौन सी टेक्निक बुरी है, देखिए दोनों टेक्निक्स के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। दोनों टेक्निक्स डिपेंड करती हैं कि पेशेंट के ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना एरिया ऑफ बॉल्डनेस है, डोनर एरिया की क्या कंडीशन है। सो जो प्रोसीजर है वो पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। अगर पेशेंट की एज थोड़ी ज़्यादा है, 25-30 साल से ज़्यादा है, और जो रिक्वायरमेंट है बालों की वो कम है, तो FUE या FUT एक ही टेक्निक से भी कवर किया जा सकता है आराम से। लेकिन यदि बॉल्डनेस की ग्रेड ज़्यादा है, Grade 5, Grade 6 है, तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं टेक्निक्स को कंबाइन करना, FUT एंड FUE दोनों को, सो दैट हम मैक्सिमम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर सके डोनर एरिया से बिना डोनर एरिया को डैमेज किए। और जो हायर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस है उसमें फिर हम जब कॉम्बिनेशन से करते हैं FUT प्लस FUE से, तो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सर्जन की एक तरह से एक्सपर्टीज पे, कि वो आपको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं आपके रिसिपिएंट एरिया को, आपके डोनर एरिया को,
और उसी के हिसाब से वो कस्टमाइज करते हैं आपका ट्रीटमेंट कि आपके लिए FUE बेटर है, FUT बेटर है या फिर कॉम्बिनेशन टेक्निक बेटर है। लेकिन ये परमानेंट रहता है? यस, ये जो हम बाल लगाते हैं इन्हें हम एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, जो बाल आपके पहले अभी गए हैं एंड्रोजेनिक एलोपीसिया में, वो बाल गए हैं बिकॉज आपके उस एरिया के हेयर की रूट सेंसिटिव है DHT से, और DHT उस रूट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वो धीरे धीरे बाल चले जाते हैं। बट अब जिस एरिया से हम बाल ले रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, वो सेफ जोन में से ले रहे हैं, वहां पे DHT रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो वो बाल जब आगे ट्रांसप्लांट होते हैं तो वो अपनी वो प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं और DHT से इनसेंसिटिव होते हैं और वो बाल यूजुअल कोर्स में नहीं जाते हैं कभी भी। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर वो बाल भी जा सकते हैं। वो सिचुएशंस को हम बेसिकली दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, कंट्रोलेबल्स एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स तो ये होते हैं कि कोई अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करता हो और स्मोकिंग नहीं छोड़े, कोई बिल्कुल ही स्कैल्प की या हेड की केयर ना करे, तो इन सिचुएशंस में भी वो बाल जा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम अनकंट्रोलेबल कहते हैं, जो कि हमारे बेसिकली कंट्रोल में नहीं होते। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज। ये जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये एज के साथ साथ एक आफ्टर सर्टन एज थोड़ा बहुत डेंसिटी फ्लक्चुएट करती है और एज के साथ थोड़े थोड़े कम होते हैं। दूसरा फैक्टर जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो ये है कि अगर फ्यूचर में पेशेंट को कोई सिवियर इलनेस हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए लिवर या किडनी से रिलेटेड या किसी और मेजर ऑर्गन से रिलेटेड, जिस सिचुएशन में आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही धीरे धीरे खत्म हो रहे हो या कम हो रहे हो, उस सिचुएशन में बालों की डेंसिटी डेफिनेटली थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। अदरवाइज अगर आप खुद का ध्यान रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, बेसिक केयर देते हैं अपने स्कैल्प को और हेयर को, तो ये जो बाल है, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन जो रहता है वो ये रहता है कि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, उसे सर्जरी की तरह से ही लिया जाना चाहिए। सो हेयर ट्रांसप्लांट की जब भी हम बात करते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सो आर्ट और साइंस के लिए जरूरी है कि जहां पे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, वो आपके जो डॉक्टर हैं वो क्वालिफाइड हो, उनका जो सेंटर हो वो वेल इक्विप्ड हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, उनका जो OT हो वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हो, इन्फेक्शन रेट उनकी ना के बराबर हो, और उनके साथ साथ जो उनकी टीम हो वो भी एक्सपर्ट हो हेयर ट्रांसप्लांट करने में। क्योंकि जब आप कहीं पे भी अनक्वालिफाइड टीम से या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस बढ़ जाते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। आप जब भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो सबसे पहले आपकी मेडिकल फिटनेस को असेस करेंगे फॉर द सर्जरी, फॉर द प्रोसीजर, और अगर आप फिट होंगे तभी वो प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पहले आप सेफ रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे और आप एक नेचुरल और हाई डेंसिटी रिजल्ट पा सके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। और एक आखिरी क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्लिनिक्स में मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट मेकर्स में मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20,000 में हेयर ट्रांसप्लांट होगा, कहीं पे बोल रहे हैं कि पर ग्राफ कुछ 50 रुपए लेंगे, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो डिसाइड कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो कॉस्ट है वो वेरी करती है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। उसका सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डॉक्टर, उनका एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशन कितना है। जब भी आप कहीं ना कहीं एक तरह से मैं आजकल एक हेयर ट्रांसप्लांट का ब्लैक मार्केट भी काफ़ी हाई लेवल पे रनिंग है, जिसमें कि डॉक्टर भी नहीं होते हैं और कुछ अनक्वालिफाइड लोग ही हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो लो कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे डॉक्टर भी नहीं है। तो अगर आप अनक्वालिफाइड टीम से कराते हैं या फिर इनएक्सपीरियंस टीम से कराते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट काफी कम हो जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा मेन रीजन होता है वो होता है जो सेटअप है वो कैसा है।
सेटअप कितना इक्विप्ड है, कितने लेटेस्ट उनके पास इक्विपमेंट्स हैं प्रोसीजर करने के लिए, प्रोसीजर के बाद में चीजों को मैनेज करने के लिए, प्रोसीजर के दौरान या उसके बाद इन केस जो कि बहुत ही रेयरली होता है कुछ अगर प्रॉब्लम डेवलप होती है तो उसको मैनेज करने के लिए वो सेंटर कितना इक्विप्ड है। अगर सेंटर वेल इक्विप्ड है, उनके पास हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, सब कुछ है, तो डेफिनेटली वो आपका लो कॉस्ट पे नहीं करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट। फिर तीसरा फैक्टर जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है टीम की, टीम जो है आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की वो कितनी एक्सपीरियंस है। अगर इनएक्सपीरियंस टीम्स और जो लोग रूटीन में नहीं करते हेयर ट्रांसप्लांट वो करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो पुअर डेंसिटी और अननेचुरल रिजल्ट्स आते हैं और इन सब चीजों की वजह से भी कॉस्टिंग कुछ कम होती है। तो अगर आप डिफरेंस को देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट की, तो उसका मेजर रीजन हम तीन फैक्टर्स में समराइज करते हैं, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, सेंटर कितना वेल इक्विप्ड है, सेंटर के पास कितने कैसे इक्विपमेंट्स हैं, किस लेवल की चीजों को वो मैनेज कर सकते हैं, और तीसरा आता है कि टीम कैसी है सेंटर पे जो कि प्रोसीजर साथ में डॉक्टर के परफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस एंड आई होप आपको इस कॉल से आपकी जो भी क्वेरीज और डाउट्स थे वो काफी क्लियर हुए होंगे और आप आगे फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन ऑफ आस्क डॉक्टर सुनील। सो आपके पास भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप ये जो नंबर नीचे हमारा स्क्रॉल कर रहा है, जब भी हमारा सेशन होगा हम पहले आपको अपडेट करेंगे कि हम इस दिन सेशन करने वाले हैं, आप उस दिन हमें कॉल कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में सेशन के दौरान हम लाइव कॉलर्स को लेंगे और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।